नमस्ते दोस्तों, आपके इस पसंदीदा YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सेकेंड लास्ट वीक में चल रहा है, पिछले गुरुवार और शुक्रवार को एक डिसाइसिव डाउनफॉल आ गया। उसके बाद हम कहाँ पे सपोर्ट लेंगे, कहाँ से वापस एक बार रैली देखने को मिलेगी, मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, इस सब पे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ये बहुत, जैसे हमेशा होता है, हर एक हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हफ्ता भी बहुत और इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, चालू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी का चार्ट देखते हैं दोस्तों, पहले हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे। निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो हमने एक हायर टॉप तो बनाया, हायर बॉटम भी, अभी सॉरी, जो बॉटम है वो भी तोड़ा नहीं है, पर ये फॉल है वो ड्रास्टिकली जोर से आया और ये काफी अच्छा सरप्राइज देखने को मिला इस फॉल में। क्यों? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये फॉल आना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इधर से हमें एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी, और डेरिवेटिव डेटा यानी पीसीआर भी साथ दे रहा था। उसी दरमियान यू टर्न देखने को मिला। हमने जो टेलीग्राम चैनल पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की थी, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम बाहर निकल गए और वापस राह देख रहे एंट्री की। देखिए, स्टॉप लॉस का महत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, छोटे से लॉस से बाहर निकले, उधर से काफी बड़ी डाउनसाइड देखने को मिली। तो स्टॉप लॉस का बहुत अहमियत होता है। ये जो छोटा सा स्टॉप लॉस है वो कभी भी रिकवर हो जाएगा, पर अभी कोई पोजीशन नहीं है हमारी और नीचे में हमें कहां लेना है इसके बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों, टेक्निकली इसके नीचे वापस जाना, ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन के नीचे जाना, ये अच्छी बात नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर हम मीडियम टर्म चार्ट देखते हैं तो ये जो अप मूव है इसके हम ऊपर है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो अगर ये राइजिंग ट्रेंड लाइन है इसलिए उसकी वैल्यू चेंज होती नजर आएगी। तो अभी के लिए ट्रेंड लाइन वैल्यू मंडे से ट्यूसडे तक की वैल्यू है लगभग 17,250-60 के आसपास, पर जितना देर लगाएगा वो ट्रेंड लाइन वैल्यू ऊपर जाती नजर आएगी, लगभग 17,450 के आसपास। तो ये जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ऑप्शन चेन डेटा में जाके देखना चाहिए कि कहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। ये जो फॉल आया है ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा है। अगर बुलिश मोमेंटम रखना है तो इधर से डाउनफॉल अरेस्ट हो जाना चाहिए, यानी इधर से और नीचे जाने की जाना नहीं चाहिए, मार्केट इधर से ही घूमना चाहिए। क्योंकि हमने यहाँ पे जो फॉल देखा था उसी तरह हमने यहाँ पे फॉल देखा। अगर ये रिस्पेक्ट होता है तो मैं मानता हूं कि ये जो ट्रेडिंग जोन है ये डिफाइन हो जाएगा, और ये जब तक सपोर्ट टूटते नहीं है तब तक कोई भी दिक्कत नहीं है मार्केट्स में। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, 17,500 बहुत इंपॉर्टेंट है और वही लोज हम शुक्रवार के दिन में लगते नजर आए, और ये जो जोन है उसका लो भी 17,500 ही है। तो 17,500 ये प्राइमरी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे शायद और 100 पॉइंट एक ब्लिप देके वापस क्लोजिंग ऊपर देखने को मिल सकती है। तो 17,500, 17,400 ये बहुत ही क्रूशल है। हमें मंडे को ऑप्शन चेन डेटा पीसीआर कैसा पैन आउट हो रहा है वो देख के पोजीशंस बनानी पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे और ध्यान दीजिएगा मार्केट आउटलुक डेली पे। हमेशा की तरह मैं 1 मिनट में बताऊंगा कि मार्केट आउटलुक डेली अगर सब्सक्राइब करना है तो आपको इस फ्री रजिस्ट्रेशन पे जाके आपके डिटेल्स फिल करके ये फ्री एक्सेस आप मिल पाएगा, जहां पे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू दिलाता नजर आएगा। और उसके बाद ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स अगर निफ्टी में या बैंक निफ्टी में बाय कॉल आता है तो मैं इस टेलीग्राम चैनल, जो कि यहाँ जाके अगर आप क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली आप जुड़ जाओगे, तो वो टेलीग्राम चैनल पे आपको वो डिटेल्स मिलते नजर आएंगे। हम हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ध्यान पे रखते हुए बड़े मूव्स के लिए पोजिशनल मूव्स देखने को प्रयास करेंगे। अगर इंट्राडे छोटे मूव्स भी आते हैं वो भी हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना ना भूलिएगा। दोस्तों, अब आते हैं हम ऑप्शन चेन डेटा पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रेजिस्टेंस के बारे में बात नहीं की। रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 17,800 पहला पड़ाव रहेगा, 18,000 दूसरा पड़ाव रहेगा। ये जो जोन है वो सप्लाई जोन है। जब तक ये निकल नहीं जाता तब तक एक
वन वे रैली हमें देखने को नहीं मिलेगी। पर सस्ते में अगर बाय होता है तो एक पुल बैक रैली के लिए बिल्कुल प्ले कर सकते हैं छोटे से रिस्क के साथ। तो दोस्तों अभी हम ऑप्शन चेन डेटा में जाके देखेंगे क्या है डिटेल्स। ये निफ्टी का है, ऑन द हायर साइड सबसे बड़ा ओआई जो देखने को मिल रहा है वो है 17,800। टेक्निकली भी 17,800 एक हर्डल है, ऑप्शन चेन डेटा सबसे बड़ा 17,800, इमीडिएटली 17,900 और उसके बाद 18,000। देखिए कितनी कॉल राइटिंग हुई है, इसका मतलब है ये जोन निकलना इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है, पर एक पुल बैक रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं करंट लेवल से थोड़े से और डिप डाउन में। अगर पीसीआर सस्ता हो जाता है तो वो एक पुल बैक रैली के लिए प्ले हो सकता है। नीचे में सपोर्ट्स कहाँ है ये अगर देखना है तो पहला सपोर्ट 500 पे है, बिल्कुल सबसे बड़ा हुआ है वही पे देखने को मिल रहा है, उसके नजदीक 400 है। अगर ये देखा जाए तो मुझे नहीं लगता 17,400 जल्दबाजी में टूटना चाहिए। पर मैं वापस एक बार कहना चाहता हूं, ये फ्राइडे के डेटा है, मंडे के 1 घंटे के ट्रेडिंग के बाद हमें पता चल जाएगा कि बुल्स वापस स्ट्रेंथ दिलाते नजर आ रहे हैं या बेरिश पोजीशंस पे हमें ध्यान देना चाहिए। 17,900 से हम लगातार नीचे 17,500 तक आ गए, 400 पॉइंट का फॉल देखने को मिला, तो उसके बाद और गिरावट या बाय करना है वो पहले 1 घंटे में डिफाइन होता नजर आएगा। जैसे ही डेटा अच्छी तरह से पैन आउट होगा मैं अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो ध्यान दीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें दोस्तों, बैंक निफ्टी में एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है वो है कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस। 2 हफ्ते पहले नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा था, निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था, अभी क्या हुआ है निफ्टी में फॉल आ गया पर बैंक निफ्टी परफॉर्म करता नजर आ रहा है। अभी ये हफ्ता बहुत ही क्रूशल रहेगा क्योंकि ये सेकेंड लास्ट वीक है एक्सपायरी के पहले, इसके बाद पोजिशन शिफ्टिंग होते नजर आएगी, तो बड़े स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स और अनवाइंडिंग ये सारे इस हफ्ते में देखने को मिल जाने चाहिए। तो अभी ये देखना है हमें कि बैंक निफ्टी निफ्टी को ड्रिफ्ट करता है नीचे या निफ्टी बैंक निफ्टी को मदद करता है और ऊपर जाने का। तो दोस्तों ये हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बैंक निफ्टी में मोटा मोटी देखा जाए तो 40,000 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, और 41,500 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। पर अगर निफ्टी परफॉर्म करता नजर आएगा तो बैंक निफ्टी जो कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस है ये रिसेंट हाईज निकाल के और ऊपर जाने की ताकत और दमखम बिल्कुल रखता है। स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शंस बहुत अच्छे आ चुके हैं, तो मेरा बैंकिंग सेक्टर में जो ओवरबॉट थे वो करेक्ट हो चुके हैं, वापस एक बार रैली के लिए तैयार है, तो बैंक निफ्टी पे ध्यान बिल्कुल देना चाहिए। अब आते हैं सेक्टर्स पे, तो सेक्टर्स में जो देखना है इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो मैंने देखे है वो है निफ्टी एनर्जी। निफ्टी एनर्जी अभी भी एक रेंज में ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, ये ब्रॉड रेंज है 27,000 और 28,250 का। इस रेंज से बाहर निकलेंगे तो एक 29,000 की ओर जो मैंने पिछले बार भी बोला था वो टारगेट्स बिल्कुल नजर आएंगे, वीकनेस बिल्कुल नहीं है, नीचे से डिमांड देखने को मिल रहा है, तो ये एक इंडेक्स पे आपका ध्यान होना चाहिए। दूसरा इंडेक्स जो स्ट्रेंथ दिलाता नजर आ रहा है वो है ऑटो इंडेक्स। ऑटो इंडेक्स में भी रेंज में ही ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, 12,800 ऑन द लोअर साइड, 13,400, 13,400 पे ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर बहुत अच्छे मूव्स हमें ऑटो इंडेक्स में देखने को मिलेंगे। और तीसरा जो इंडेक्स है जो एक पॉजिटिव डाइवर्जन दिलाता नजर आ रहा है वो है मेटल्स इंडेक्स। मेटल इंडेक्स में भी छोटा सा करेक्शन आ गया क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन है इसके ऊपर ही ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, रेंज में है, तो गिरावट में मेटल इंडेक्स ने आउट परफॉर्मेंस दिलाई है ऑन द पॉजिटिव साइड, सो सबसे कम गिरे हैं। ये 3 इंडेक्स पे ध्यान देना चाहिए जहां पे आपको अच्छा खासा अप मूव्स आते दिनों में देखने को मिलेंगे। आईटी इंडेक्स फॉर दैट मैटर काफी वीक देखने को मिल रहा है। आईटी इंडेक्स के बारे में बात करें तो ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन थी इसको वापस एक बार लांग दिया है ऑन द लोअर साइड, तोड़ दिया है, ये थोड़ी सी खराब बात है। और मेरा मानना है कि वापस एक बार जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि रिसेंट लोज वापस टेस्ट होते नजर आएंगे, तो आईटी इंडेक्स से परहेज रखने की सलाह होगी।
ये जो लोज है रिसेंटली मेड लगभग 26189 के, ये अगर ब्रीच होता है और उसके नीचे जाता है तो इंफोसिस, टीसीएस, माइंड ट्री, टेक महिंद्रा, विप्रो, टीसीएस, सारे में बिकवालिया हावी होती नजर आ जानी चाहिए। तो थोड़े से जब तक ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म नहीं होता तब तक के लिए मुझे मुझे लगता है कि इस इंडेक्स से थोड़ा सा दूर रहने की सलाह होगी। बाकी सारे न्यूट्रल है अभी, बाकी बाकी इंडेक्स से बात करने में मतलब नहीं है। अभी आते हैं हम एमसीएक्स पे, क्रूड पे। तो क्रूड के बारे में बात करें तो क्रूड का चार्ट अगर देखते हैं तो क्रूड का चार्ट अभी न्यूट्रल ही है, थोड़ा सा वीकनेस के साथ ही है, लोअर टॉप लोअर बॉटम ही हो रहा है। एक बार फिर से हम 6500 टेस्ट करते हुए नजर आएंगे, पर ऐसा कोई पैटर्न नहीं है जहां पे हमें नई पोजीशंस लेनी चाहिए। तो क्रूड को ट्रेड नहीं करेंगे। गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड थोड़ा सा वीक देखने को मिल रहा है, सिल्वर जो वीक था उसमें एक पुल बैक है, तो उधर भी कोई पैटर्न्स नहीं है जहां पे आपको इन्वेस्ट करने की सलाह होगी। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो रहेगा डाउ जोन्स। डाउ जोन्स पे बात करेंगे वर्ल्ड मार्केट पे, तो डाउ जोन्स में वीकनेस जारी रहने की संभावना है। हमने नीचे से एक शुक्रवार को एक पुल बैक देखने को मिला और ये पुल बैक जो था वो एक हैमर कैंडलस्टिक है, तो इधर से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। पर अगर चार्ट पैटर्न देखते हैं तो हमें लोअर टॉप लोअर बॉटम सिनेरियो है इन अ ब्रॉडली साइडवेज मार्केट। तो मेरा मानना है कि डाउ जोन्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए, काफी सारे फैक्टर्स है अफेक्टिंग द ग्लोबल मार्केट्स विच आर पॉजिटिव फॉर द इंडियन मार्केट्स। बट मेरा मानना है कि थोड़ा सा हम डाउ जोन्स को अवॉइड करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। रुपी डॉलर का चार्ट देखते हैं। रुपी डॉलर वापस एक बार वही लेवल से 80, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ऑन द लोअर साइड 79, 78.50 बात कर रहा था, अभी 79 एक अच्छा सपोर्ट बनता नजर आ रहा है। 80 के ऊपर वीकनेस रहेगी रुपी में और 79 के नीचे स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, इसके बीच में कुछ ना करने की सलाह है। तो ये रहा हमारा रुपी पे व्यू। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पीसीआर। पीसीआर पे बात करेंगे तो पीसीआर का अगर हम चार्ट देखते हैं तो काफी ओवरसोल्ड हो चुका है, काफी ओवरसोल्ड, यानी हमें बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए गिरावट में इधर से पुल बैक के लिए। देखो दो चीजें कही, सपोर्ट कहाँ है 17,500 और 17,400। हम आ गए हैं पीसीआर 0.78, 0.75। यहां पे ये सस्ता हो रहा है ये पता चल रहा है। पिछले हफ्ते निफ्टी 300-400 पॉइंट गिरा, पीसीआर गिर ही नहीं रहा था। ये बहुत डेंजरस सिनेरियो था, यानी और गिरने की प्रोबेबिलिटी है, इसके लिए हमने बाइंग नहीं की। पर अगर सोमवार को पीसीआर गिरता है और हमें एक डेरिवेटिव डेटा में पॉजिटिव मूव्स देखने को मिलेंगे ऑप्शन चेन डेटा में, तो बिल्कुल बाय करने की जगह नजदीक आ गई है। पोजिशनली आपको हफ्ते दो हफ्ते लॉन्ग पोजिशंस थोड़े से रिस्क के साथ लेना पड़ेगा, पर एक पुल बैक जरूर देखने को मिलेगा। तो मैंने सपोर्ट लेवल्स दिए है उसके आसपास बाइंग करने की सलाह है। डेरिवेटिव डेटा देख के मैं टेलीग्राम पे बिल्कुल अपडेट करूंगा और उसके बाद हम लॉन्ग पोजिशंस क्रिएट करेंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट वीक है, आपको जहां पे ध्यान देने के लिए बोला है उधर ध्यान देना चाहिए और आपको टेलीग्राम पे जुड़ना चाहिए। दोस्तों इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते वापस मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्ते।